हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करके। ये ZVGS ड्राइवर है मेरे पास इंडक्शन हीटर के लिए, ये पूरा इंडक्शन हीटर है। तो आज हम इससे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे वायरलेस एनर्जी। ओरिजिनल में तो इंडक्शन होता है, पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम करता है। तो ये मेरे पास जो है एक ZVGS ड्राइवर है, आप देख सकते हैं। दो MOSFET इसमें हैं, एक इंडक्टर है, एक ये कैपेसिटर है 400 वोल्ट का, या इंडक्शन कॉइल लगा हुआ है। और मेरे पास ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की। इस तरह से हमने जो है एक कॉइल बना लेना है हमें, ये इस तरह से लपेट के। वायरलेस एनर्जी हम आपको दिखाएंगे आज। ये कॉइल कॉपर वायर जो आता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो आता है, वो आप इसको तरह से किसी भी चीज़ पे लपेट के बना सकते हैं। और इसका ये दो तार हमने निकाल लिया है यहाँ पे, आगे आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कॉइल है, एक हमने LED ली है, ये छोटी सी LED है, ये 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की होती है। इसको हम इस वायर में कनेक्ट करते हैं, तो दिखाते हैं कि किस तरह से वायरलेस सिस्टम वर्क करता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है इसको। एक वायर हम इसको इधर वाले साइड में कनेक्ट कर देंगे। देखिए, हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब हम ZVGS ड्राइवर या इंडक्शन को हम कनेक्ट करते हैं इस 12 वोल्ट की बैटरी में। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया। यहाँ से हम देखिए इसके पॉजिटिव सप्लाई को 12 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये कॉइल है, इसको हम जैसे इसके पास लाएंगे, देखिए बल्ब ग्लो करने लगेगा। देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से बल्ब ग्लो हो रहा है। तो देख लीजिए, ये देखिए आप, ये वायरलेस ट्रांसमिशन है। जनरली होता क्या है कि ये इसको वायरलेस इसलिए बोल देते हैं कि इस दोनों के बीच में जो है किसी भी तरीके का हम वायर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ये होता है, ये इंडक्शन है एक तरह से देखा जाए। सारे जो वायरलेस चार्जर मोबाइल वगैरह आते हैं, उसमें भी यही कॉइल का इस्तेमाल होता है। वो मोबाइल के अंदर कॉइल लगा होता है, वायर चार्जर में कॉइल होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ZVGS ड्राइवर से ही आप बनाएं, और भी तरीके से इंडक्शन एक MOSFET के ज़रिए आप स्विचिंग करा सकते हैं इंडक्शन के लिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसके पास ला रहा हूँ, देखिए बल्ब ग्लो कर जा रहा है। देखिए कितने अच्छे से ग्लो हो रहा है ये। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके पास में ले जाने से एक तरह से म्यूचुअल इंडक्शन मान सकते हैं आप इसको। क्योंकि अगर एक कॉइल में करंट हम पास करा रहे हैं, दूसरे कॉइल में जनरेट हो जा रही है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का केस होगा। देख लीजिए, एक बार हम हल्की लाइट बंद करके आपको दिखा देंगे। देखिए, हमारा ये बल्ब जो है कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। सिर्फ इसकी रेंज में ही हम ले जा रहे हैं, देखिए ग्लो करने लगे। देख लीजिए, यहाँ से इंडक्शन हो रहा है। देखिए, बल्ब हमारा ग्लो कर जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। तो ये थी पूरी वर्किंग दोस्तों, इंडक्शन हीटर से वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे किस तरह से होता है, जो हमने आपको दिखाई बना के। एक कॉइल से कॉइल में जनरेट हो रही है एनर्जी। तो ये थी पूरी वर्किंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर आप शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।